हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो है दिवाली स्पेशल। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहता हूं जो कि शायद आप सभी ने फील की होंगी अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब हम छोटे थे तो हम दिवाली को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते थे। वो मेमोरी जो है वो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा खुशनुमा है कि हम उसे भुला नहीं पाते। पर अब वैसा नहीं रहा है, तो इसका क्या कारण है? इसका एक कारण तो ऑब्वियसली ये है कि हम बड़े हो चुके हैं, पर क्या इसका कोई और कारण भी हो सकता है? मुझे लगता है कि इसका एक और कारण है, क्योंकि मैंने जो बच्चे अपने आसपास देखे हैं, मैंने महसूस किया है कि वो उस तरह से दिवाली को लेकर एंथुजियास्टिक नहीं हैं या इंजॉय नहीं कर रहे हैं जिस तरह से हम करते थे। हम तो दिन गिनते थे कि दिवाली कब आएगी, और वो एक भावना ही अलग थी। आजकल के बच्चे जो हैं वो उस तरह से नहीं लेते हैं इस चीज़ को। मैंने एक बच्चे को कहीं पर रंग करने के लिए कहा दिवाली वाले दिन, तो उसे वो काम लगा कि मैं ये कैसे करूँगा। पर हम बहुत ही ज़्यादा उसे करते थे कि हम कहते थे, कोई कहता था कि मैं करूँगा, वो कहता था मैं करूँगा, तो हमारी बात ही अलग थी। पर आजकल के बच्चों के लिए ये ऐसा है कि आ गई दिवाली, ओके, गुजर गई, चली गई। पर हमारे लिए ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसका एक कारण ये भी है कि आजकल जो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनमेंट के साधन आ गए हैं, ज़्यादातर जो ये मोबाइल फ़ोन्स हैं ये आ गए हैं, इसकी वजह से दिवाली का वैसा क्रेज़ नहीं रहा है, वो इंटरटेनमेंट वैल्यू उसकी चली गई है। हमारे टाइम पर क्या होता था कि इतने इंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो हमारे लिए वो जो पल होता था दिवाली का, वो जो दिन होता था, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। पर आज के बच्चे जो हैं वो पहले ही मोबाइल पर इतना कुछ देख चुके होते हैं, इतना कुछ खेल चुके होते हैं कि उन्हें ये पटाखे वगैरह ये कुछ खास नहीं लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लगता है डोपामाइन डिटॉक्स से रिलेटेड हैं। हम ज़्यादातर बोर होते रहते थे। आजकल के बच्चों का दिमाग जो है वो डोपामाइन से पहले ही भरा रहता है, तो उन्हें कोई ख़ास फ़र्क महसूस नहीं होता है। पर हमारी बात अलग थी, हमारे पास इंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इससे एक बहुत ही बड़ी फिलोसॉफिकल बात निकल कर सामने आती है, वो ये है कि जो लोग यूटोपिया के पीछे भागते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, और वो इसके पीछे भागते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये सारी दुनिया एकदम से खुश हो जाएगी, एकदम से सुखी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। यूटोपिया, मैं आपको बता दूं कि जिन्हें लगता है कि अगर हमारी ज़िंदगी में सुविधाएं जितनी ज़्यादा होंगी हम उतने ज़्यादा खुश होंगे, इसी यूटोपिया की थिंकिंग के कारण ही मुझे लगता है आजकल की जो टेक्नोलॉजी आई है वो इसी की वजह से आई है कि लोगों को लगता रहा है कि हम और बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बना सकते हैं। ये अच्छी बात है, पर इससे हमारी ज़िंदगी उस हिसाब से नहीं बदलती है जैसा हमने सोचा था। जितनी ज़्यादा आरामदायक हमारी ज़िंदगी होती जाती है, मुझे लगता है उतने ही ज़्यादा हम डिस्कम्फर्ट में आते जाते हैं। आजकल मुझे लगता है बीमारियां पहले से ज़्यादा बढ़ी हैं, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, लोग एक्सरसाइज को भूल गए हैं और ऐसी चीज़ों को जो उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाती थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बेहतर बनाती थी, क्योंकि देखिए, खुशी को महसूस करने के लिए पेन को महसूस करना ज़रूरी होता है, दिन को महसूस करने के लिए रात को महसूस करना ज़रूरी होता है। इसी तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक खुशी महसूस करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके ऑपोजिट जाना भी ज़रूरी होता है। तो वो पहले वो सब था, पर अब वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है।
लाइफ जो होती है वो इस तरह से होती है, अगर आपने किसी हॉस्पिटल में भी देखा होगा तो वो ऐसे ऐसे जाती है, तो अगर वो ऐसे हो जाए एकदम से तो वो लाइफ नहीं होगी, वो डेथ हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि यूटोपिया का ये जो सपना है ये एक भ्रम है, ये असल जीवन नहीं है, ये एक तरह की डेथ है। मैंने खुद महसूस किया है, जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आराम ढूंढता हूँ, एसी कमरों में बैठता हूँ सारा सारा दिन और बस आराम ही आराम, तो मुझे फील होना ही बंद हो जाता है सब कुछ। ऐसे लगता है जैसे हाँ मैं आराम में हूँ पर मैं मर गया हूँ, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। तो पहले जब था तो दूसरी तरफ भी हम जाते थे, मुश्किलें भी होती थी, लाइट जाती थी, गर्मी होती थी, टीवी जब फिल्म चल रही होती थी लाइट जाती थी, हाँ फ्रस्ट्रेशन होती थी पर जब लाइट आती थी तो खुशी भी उतनी होती थी। तो वो जो दिन हैं जो हमने महसूस किए हैं, मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चे वैसे महसूस कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों से, इंटरटेनमेंट से, कंफर्ट से दबा दिया गया है कि उन्हें नहीं पता कि लाइफ का मतलब क्या है, उनमें वो फीलिंग नहीं आएगी। किसी चीज़ की वैल्यू को आप तभी समझते हो जब आप उसे मुश्किल से पाते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगता हूँ, बहुत ही कंफर्ट में अपनी लाइफ को ले जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं मर गया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल ना बनाऊँ। मैं एसी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं हमेशा शरीर को थोड़ा सा कष्ट देने की कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज के ज़रिए या कुछ कामों के ज़रिए, ताकि वो फीलिंग ना जाए, ऐसा ना फील हो कि हम मर गए हैं। तो यही है कि हमें लगता है कि अगर हम सब कुछ पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे, पर ऐसा नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और आप किसी भी चीज़ के एक्सट्रीम में चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। लाइफ सिर्फ सुख का नाम नहीं है, सिर्फ आराम का नाम नहीं है, पेन जो है लाइफ का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना कि सुख। अगर आप एक हिस्से को निकाल दोगे, बिल्कुल ही निकाल दोगे, तो लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता है, वो एकदम फ्लैट हो जाएगी डेथ की तरह। तो अगर आप ज़्यादा नहीं इंटरटेनमेंट का या अपने दिमाग पर डोपामाइन की बारिश नहीं कर रहे होंगे, तो आप ज़रूर दिवाली को एंजॉय करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप दिवाली को एंजॉय करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो डोपामाइन डिटॉक्स करो।